अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर मुगल, सिक्स न्यूज़ दुबई यूएई। आज हमारे साथ एक और पाकिस्तान से ताल्लुक और यूएई में बॉर्न मिस्टर हमीद टिकटॉकर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमीद, मुझे आप बताएँ कि पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सर, मैं पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची में औरंगी टाउन 12 नंबर से। और यूएई में कब से हैं आप? सर एक्चुअली यूएई में 28 ईयर से हूँ, यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और सारा कुछ यहाँ पे हमारा, पाकिस्तान में हमारा इतना बैकग्राउंड में इतने लोग नहीं है, सारे यहाँ पे ही। कब से आपके पेरेंट्स, मतलब कब से आप यूएई के अंदर? अगर बताया जाए तो मेरे ग्रैंडफादर यहीं पे, जब यूएई बनी भी नहीं थी वो तब से यहाँ पे थे। उसके बाद मेरे अबू यहाँ पे, वहीं पे पाकिस्तान में पैदा हुए, यहाँ पे आके बस यहाँ पे आके सब कुछ हो गया, फिर हम यहीं पे ही सारा कुछ, मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो यहाँ से 28, सो ऑलमोस्ट माई फादर एंड मोर देन 50 ईयर्स। क्या एजुकेशन आपकी? सर मैं 12th पास हूँ। 12th पास हैं। और जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं? सर देखा जाए तो हमारा ख़ुद का बिज़नेस भी है, अपना घर है यहाँ पे, तो हम रेंट करते हैं, शॉप्स भी रेंट करते हैं और फ्लैट्स भी रेंट करते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या आपका? प्रॉपर्टी हमारी ख़ुद की प्रॉपर्टी है, इतने साल यहाँ पे रह के हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी जोड़ी थी, सो उनमें रेंट भी करते हैं, वहाँ रहते भी है, और अपनी हॉबीज़ के लिए घर बैठा नहीं जाता तो बंदा अपना ख़ुद का काम भी करता है। सो बिज़नेस सेटअप के लिए सो कुछ नया चीज़ें सोची है, जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जरिए नज़दीकी हम कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताएँ कि टिकटॉक एक ऐप ऐसा है जिस पे पूरी दुनिया छाई हुई है, तो वो कब से शुरू किया आपने? सर ऑलमोस्ट मैं एक जॉब करता था जहाँ 7 साल से काम करता था, सो ऑलमोस्ट मैंने टिकटॉक ऐप देखा कि लोग फ़न करते हैं, कुछ लोग न्यू मैसेजेस भेजने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए करते हैं और कुछ लोग हंसी मजाक के लिए करते हैं। सो मैंने इस ऐप को यूज़ किया था एज अ कॉमेडी, मैंने ऐप ही खोला था इंटरटेनमेंट के लिए। सो रिसेंटली आराम से देखता गया तो मेरा वो जॉब चला गया, उसके बाद मैं इसमें घुसी गया। पहले मैं कॉमेडी बनाते, अब इनमें से मुझे नए मैसेजेस मिले, कुछ नए टिकटॉकर्स को देख के हमारे मैसेजेस से किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है, तो न्यू कंटेंट सोच के हम इनमें वीडियोस बना रहे हैं। क्या मैसेज देते हैं ज़्यादातर आप? ज़्यादातर यही मैसेज है कि मेरे तरफ से तो यही है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर मुल्कों से, हमारे पाकिस्तानी भाई आते हैं, इंडियन भाई आते हैं, बहुत मुल्कों से आते हैं, हर जगह मुल्कों से यहाँ पे आते हैं सिर्फ इसके लिए कि कमा के अपने घर बेच सके, और वो लोग हार के जॉब ना मिल के वापस चले जाते हैं, तो उनको नेवर गिव अप के लिए सो हम लोग कुछ होप्स, कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं, वो यहाँ पर आके गिव अप ना करें, सर्च करें और स्टैंड, यानी नेक्स्ट डे बेटर होता है, सेम डे बेटर नहीं होता। सो इस बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और लोगों को मैसेज भी दिया हुआ है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी इतनी उम्र में आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छे मैसेज दे रहे हैं, कि ये तो एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। और इस ऐसा बनाना, फिर टीम को उसके ऊपर एग्री करना, उसको समझाना, ये एक छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। बाकी स्लोमो और ये चीज़ें तो लिपसिंग करनी, ये बड़ी आसान होती हैं, क्या लगता है आपको? सर मैंने तो लिपसिंग तो बहुत इजीली सीख लिया था, एक्टिंग करना तो पहले मुश्किल था लेकिन अब बहुत आसान है, लेकिन ये जो कंटेंट बनाना होता है ना, जो एक मेरा भाई है जो मेरा हमेशा सपोर्ट में रहता है, वो मेरा वीडियो बनाता है, यानी मैं कभी ग्रुप में जाकर नहीं बनाता, जो भी बनाता हूँ अकेला ही बनाता हूँ, और वो मैसेज ऐसा होता है कि लोगों को जाकर पहुँचता है और लोग कमेंट भी करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, वेल मैसेज सारे कुछ लिखते हैं, लेकिन मैं ग्रुप में नहीं बनाता था, लेकिन अब रिसेंटली मैं ग्रुप में बनाना शुरू कर दिया हूँ, और इंशाल्लाह आगे देखते बहुत, अभी देखो मैं मजाक में बना के फिर थोड़ा सीरियस होता गया, अब इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, नए मैसेज का इंतज़ार करते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे करके ग्रो करता जाऊंगा। कौन सा टिकटॉकर है जो अच्छा लगता है? एक है सादिक अहमद, एक है नोमान खान, और एक है लड़कियों में जुमाना, वो मैसेज कम देती है लेकिन इट्स ओके, शी इज़ वेरी नाइस इन वीडियो एंड शी इज़ वायरल ऑल्सो, शी इज, दिस थ्री गाइज आर बेस्ट इन टिकटॉक। न्यू एक्सपीरियंस लेना हमारे लिए अच्छी बात है, बिजनेस सेटअप करो साथ ही साथ जॉब करो, ये नहीं कि सैलरी के लिए, वहाँ हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो मेरा कुछ सेटअप है जो मैंने सोच के रखा हुआ है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम वो करने वाले हैं। वो शेयर करें, क्या सर आपने सोचा फ्यूचर? बचपन में 15 साल की उम्र थी जब मैं स्कूल चला गया, स्कूल के जाने के बाद होता है ना, किसी के लाइफ में कोई आता है और चला जाता है, 18 ईयर्स तक पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेरा शौक था जिम जाना, सो ऑलमोस्ट 12 साल हो गए जिम जाते हुए, ये नहीं कि मैं अपने जिस्म को फुलाता हूँ ये दिखाता हूँ, नहीं,
नॉर्मली फिटनेस रखता हूँ, और हमेशा यही लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जिम करना, एक्सरसाइज करना किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो तो लाइफ में खुद भी हेल्दी रहोगे और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी हेल्दी रहेगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो कि ऐसे कुछ लोग, कुछ ऐसे टिकटॉकर हैं जिनकी वजह से कभी इंडिया में बैन हो जाता है, कभी पाकिस्तान में बैन हो जाता है, यहाँ आप अभी फ़िलहाल यूएई में चल रहा है टिकटॉक, यहाँ आप क्या किसी को मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर भी इतनी गालियाँ निकालते हैं, लोगों को रोस्ट करते हैं, क्या वो उनको करना चाहिए, क्या हो सकता है उनकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट भी टिकटॉक बंद कर दे, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे मैंने मोस्टली ऐसा देखा है, यहाँ के लोग बहुत कम ही टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो यहाँ के खुद के यहाँ के लोग हैं यूएई के, बहुत कम ही लोग टिकटॉक बनाते हैं, वो लोग सिर्फ देखते हैं और देख के यही उनके दिल में जो भी बात आती है, शायद नेगेटिव हो या पॉजिटिव वे में हो, वो लोग लिख देते हैं, बताते भी नहीं है, वो लोग लिख देते हैं। बस हम टिकटॉकर को यही है कि हम लोग जब भी बनाएं कि लोग के हिसाब से बनाए, कुछ उल्टा पुल्टा गलत ना बोले वीडियो में और लोग के ख़िलाफ़ ना जाए, सीधी सीधी वीडियो बनाए। अगर आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो आप उस वीडियो के थ्रू भेज सकते हो, अगर आपको कॉमेडी वे करना है उस वीडियो के थ्रू भेज सकते हो, ग्रुप होते हैं, लेकिन हर चीज़ सोच के हम लोगों को डालना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हसद करते हैं, जो पसंद नहीं करते, इसको पसंद नहीं करते, वो वायरल हो रहा है, उसको पसंद, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर आप भाई सब लोग को सपोर्ट करोगे, उनको फॉलो करोगे या उनकी वीडियोस आगे शेयर करोगे, ये सब आप लोगों के लिए इन फ्यूचर अच्छा हो या हमारे लिए अच्छा हो, किसके लिए अच्छा हो ये किसी को नहीं पता। हम कोशिश कर रहे हैं हम बेटर हो, आप कोशिश कर रहे हैं आप बेटर हो। यहाँ पे हम लोग उठ के दिनों में, गर्मियों में उठ के जाके टिकटॉक बनाते हैं और ये लोग घर में बैठ के देखते हैं, इनका सिर्फ 2 मिनट लगता है एक कॉमेंट देने में, और हमारा पूरा दिन लगता है 1-2-10 वीडियो बनाने में। और गर्मियों में हम मेहनत करते हैं, अगर हम इंटरटेनमेंट करते हैं या कोई मैसेज बनाना चाहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू। पाकिस्तान से ताल्लुक है इनका, यूएई बॉर्न है, बहुत ही अच्छे टिकटॉक पे मैसेज देते हैं, और अरबिक कम्युनिटी से के साथ साथ ये पाकिस्तानी कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज को अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं ताकि उनको समझ भी आए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छे मैसेज भी दिए हैं इन्होंने। तो इसी के साथ नासिर मुगल को इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।